नाउ है ये ऑप्टिमम प्रोसेस, यानी फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में एक्चुअल प्रोसेस कैसी होती है, मल्टीप्लेक्सिंग की जो प्रोसेस है वो कैसी होती है, मीन्स वो हम देखेंगे इस डायग्राम से हेल्प से, ठीक है। तो ये एफडीएम का सोर्स साइड हो गया या ट्रांसमीटर साइड हो गया। यहाँ पे ये 1, 2 और 3, ये 3 इनपुट सिग्नल है, 3 इनपुट सिग्नल ये मल्टीप्लेक्सर को दिए जाते हैं, ठीक है। तो जब सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं तो ओरिजिनल सिग्नल ट्रांसमिट होते विद द हेल्प ऑफ कैरियर फ्रिक्वेंसी, मीन्स उसको ट्रांसमिट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर वो एनर्जी नहीं मिली तो कुछ देर के बाद वो जो सिग्नल की एनर्जी वो डाउन हो जाती है और सिग्नल जो है वो रिसीवर के एंड तक पहुँच नहीं पाता है, ठीक है। तो ये हमने मॉड्यूलेशन के टेक्निक्स में वो देखा था जब मैंने पहले वीडियो भेजे थे वो, ठीक है। तो वो मॉड्यूलेशन के टेक्निक से जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो कंबाइंड किया जाता है कैरियर फ्रिक्वेंसी के साथ, दैट इज मॉड्यूलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये सिग्नल 1, इनपुट सिग्नल 1 विद कैरियर फ्रिक्वेंसी F1, ये इनपुट सिग्नल 2 विद कैरियर फ्रिक्वेंसी F2, इनपुट सिग्नल 3 विद कैरियर फ्रिक्वेंसी F3, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉड्यूलेशन हो गया, इसका मिक्सिंग मीन्स मॉड्यूलेशन टेक्निक हो गई, यानी उसको एनर्जी दी जाती है, यानी जब हम बॉल फेंकते हैं, ठीक है। तो अगर एनर्जी नहीं लगाए तो बॉल थोड़ी दूर ही जाएगा, अगर हम जैसे ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तो बॉल जो है हमारा ज़्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये होता है, मीन्स ये सपोज बॉल है हमारा, उसको रिसीवर एंड तक पहुंचना है तो ये एनर्जी लगाता है, ये भी एनर्जी लगाता है, ठीक है। तो ये मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, ठीक है। तो ये मॉड्यूलेशन हो गया मीन्स मिक्सिंग ऑफ इनपुट सिग्नल प्लस कैरियर फ्रिक्वेंसी, ओके। नाउ फिर ये मल्टीप्लेक्सिंग, ये मॉड्यूलेशन मल्टीप्लेक्सिंग उसको ऐड करता है, मीन्स कंबाइन करता है तीनों सिग्नल को, 1, 2 और 3 ये कंबाइन कर लिया और कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू उसको ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग हो गया। नाउ फिर ये देखो, ईच सोर्स जनरेट अ सिग्नल ऑफ सिमिलर फ्रिक्वेंसी रेंज इन साइड द मॉक्सिबल, दिस सिमिलर सिग्नल मॉड्यूलेटेड डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। मॉड्यूलेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ कैरियर फ्रिक्वेंसी, द रिजल्टिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल आर देन कंबाइंड इनटू अ सिंगल कंपोजिट सिग्नल दैट इज सेंट ओवर अ मीडिया लिंक दैट हैज इनफ बैंडविड्थ टू अकोमोडेट इट, ओके। सिंगल मीडिया के लिंक के ऊपर वो जो कंबाइंड किया हुआ सिग्नल है वो ट्रांसमिट किया जाता है, ये कंबाइंड किया हुआ सिग्नल है तीनों का, वो ट्रांसमिट हो रहा है। नाउ डीमल्टिंग प्रोसेस दैट इज हैपन और डन ऑन द रिसीवर साइड, ओके। सो दिस इज डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस, ओके। एट रिसीवर साइड दिस कंबाइंड और कंपोजिट सिग्नल रिसीव एट रिसीवर एंड, यहाँ पे फिर उसको डिवाइड कैसे किया जाता है या सेपरेट आउट कैसे किया जाता है उस कंबाइंड सिग्नल को, तो एट रिसीवर एंड वो यूज करते हैं बैंड पास फिल्टर, ठीक है। बैंड पास फिल्टर मीन्स बेस्ड ऑन बैंडविड्थ वो सिग्नल को सेपरेट आउट करते हैं, जैसे तीन सिग्नल का मिक्सिंग है तो एक सिग्नल का कुछ बैंडविड्थ होंगी, दूसरे सिग्नल की कुछ बैंडविड्थ होंगी, थर्ड सिग्नल की कुछ बैंडविड्थ होंगी। ये फिल्टर क्या करता है, जैसे हमारी छन्नी होती है तो छन्नी में जो ऊपर ऊपर का है कचरा है वो ऊपर रह जाता है और हमको जो अच्छा हुआ अच्छा जो चाहिए वो सिर्फ हमको मिलता है, वैसे ये फिल्टर होते हैं। फिल्टर में क्या होता है, हमको जिस फ्रिक्वेंसी या बैंडविड्थ का सिग्नल चाहिए सिर्फ वही सिग्नल यहाँ से पास होता है, बाकी के जो सिग्नल है वो रिजेक्ट किए जाते हैं, वो पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन फिल्टर यूज किए जाते हैं क्योंकि तीन सिग्नल है तो तीन सिग्नल के अलग बैंडविड्थ होंगी, तो वो बैंडविड्थ यहाँ पे फिक्स की जाती है या सेट की जाती है, फिर उसी बैंडविड्थ का सिग्नल जो है उस फिल्टर से पास होता है, मीन्स ये पहला सिग्नल पास हो गया, दूसरे फिल्टर से दूसरा सिग्नल पास हो गया, तीसरे फिल्टर से तीसरा सिग्नल पास हो गया, मीन्स विद द हेल्प ऑफ बैंड पास फिल्टर वी सेपरेट आउट दी ओरिजिनल इनपुट सिग्नल फ्रॉम कंपोजिट सिंगल सिग्नल, ओके। सो ये फिर ये सिग्नल मिलने के बाद फिर डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस, मीन्स जो मिक्सिंग की थी मॉड्यूलेशन ओरिजिनल सिग्नल प्लस कैरियर फ्रिक्वेंसी के साथ, तो फिर यहाँ पे फिर वो कैरियर फ्रिक्वेंसी भी अलग की जाती है और यहाँ पे फाइनली हमको मिलता है जो ओरिजिनल सिग्नल जो ट्रांसमिट किया था, ये जो कैरियर फ्रिक्वेंसी ऐड की जाती है। सिमिलरली मॉड्यूलेशन इधर होता है सोर्स साइड पे, तो रिसीवर साइड पे डी मॉड्यूलेशन होता है, मीन्स ये कैरियर फ्रिक्वेंसी सेपरेट की जाती है और फिर ये ओरिजिनल सिग्नल जो भेजा है वही ओरिजिनल सिग्नल हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की, ठीक है। तो क्या होता है, इन एफडीएम एट अ सोर्स साइड जो इनपुट सिग्नल है वो फर्स्ट मॉड्यूलेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर फ्रिक्वेंसी, देन मॉड्यूलेशन के बाद
मल्टीप्लेक्सर उसको कंबाइन करता है इन अ सिंगल कंपोजिट सिग्नल एंड देन ट्रांसमिट करता है थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, फिर रिसीवर एंड पे वो सिंगल कंपोजिट सिग्नल रिसीव होता है, उसको सेपरेट आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैंड पास फिल्टर। फिर बैंड पास फिल्टर से सेपरेट करने के बाद उसको डीमोडुलेटेड किया जाता है, मीन्स कैरियर फ्रिक्वेंसी से अलग किया जाता है, और फाइनली हमको मिलता है हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल जो ट्रांसमिट किया था वो हमको वैसे के तैसे यहाँ पे रिसीवर साइड पे रिसीव होता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें क्या होता है जो ट्रांसमिशन मीडिया की टोटल बैंडविड्थ है वो डिवाइड की जाती है अमोंग दी नंबर्स ऑफ इनपुट चैनल जो इतने डेटा सेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये है अप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एफडीएम इज यूज्ड इन एफएम एंड एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। यस, एफएम में भी हम जैसे रेडियो हो तो हम क्या करते हैं, जैसे 98.5 92.5 ये फ्रिक्वेंसी दी जाती है। अगर हमारा रेडियो ट्यून हो गया उस फ्रिक्वेंसी के साथ तभी हमको वो जो आवाज़ है वो सुनाई देता है या सिग्नल जो है वो रिसीव होता है। ठीक है, तो एट अ टाइम रेडियो पे भी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, अगर वो उस रेंज पे हम अंदर गए तो वो जो डेटा है हमको सुनाई देता है। ठीक है, तो रेडियो में भी ये जो फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वो यूज होती है। ऑल्सो एफडीएम इज यूज इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, मैंने बताया था जैसे केबलिंग का है तो एट अ टाइम हमको नंबर ऑफ चैनल रिसीव होती है टीवी में। फिर डिपेंड्स ऑन अस कि हमको कौन सा चैनल है वो फ्रिक्वेंसी के साथ हम मैच करते हो, मीन्स स्टार प्लस देख रहे हैं, स्टार प्लस का हमको नंबर पता है वो दबाते हैं, मीन्स फ्रिक्वेंसी के साथ मैच होता है और स्टार प्लस हमको डेटा जो भी है सीरियल चालू है या मूवी शुरू है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में भी एफडीएम यूज होता है एंड फर्स्ट जनरेशन टेलीफोन ऑल्सो यूजेस एफडीएम। जो पहले के जो मोबाइल थे फर्स्ट जी वो एनालॉग थे, इसलिए वहाँ पे भी फ्रिक्वेंसी डिविजन मीडिया मल्टीप्लेक्सिंग यूज होता था। ठीक है, देन सेकंड है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो ये वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सेम है एज अ फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, सिर्फ जो एफडीएम है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए यूज होता है, मीन्स जिसके जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यूज होता है, और जो वेवलेंथ डिवीजन है वो ऑप्टिकल फाइबर के लिए यूज होता है, मीन्स लाइट सिग्नल के लिए। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता है, वो लाइट सिग्नल में डेटा ट्रांसमिट होता है। तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर के लिए जो ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है वो यूज होती है। ठीक है, तो नहीं तो उसका जो प्रोसेस है एफडीएम का और डब्ल्यूडीएम का, दैट इज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वो सेम है। सिर्फ यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल होता है वो लाइट होता है, और एफडीएम में जो इनपुट सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। ठीक है, सो डब्ल्यूटीडीएम इज एन एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, सिमिलर है, वर्किंग इज सेम एज एफडीएम। यस, इन डब्ल्यूटीडीएम डिफरेंट सिग्नल आर ऑप्टिकल और लाइट सिग्नल that are transmitted through optical fiber. Yes, it is basically designed for optical fiber cable. Various light waves from different sources are combined to form a composite signal that is transmitted across the channel to receiver. Okay, at the receiver end this composite light signal is broken into different light waves by demultiplexing. Jaise FDM mein multiple signal इनपुट देते थे उसको कंबाइन करता था और सिंगल ट्रांसमिशन केबल के थ्रू वो ट्रांसमिट होता था, और रिसीवर एंड में उसको डीमल्टीप्लेक्सिंग कर देते थे, मीन सेपरेट आउट कर देते। वैसे ही अब WTDM में ऑप्टिकल फाइबर के जो इनपुट होंगे, मीन्स वेरियस लाइट सिग्नल होंगे, वहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग में कंबाइन करते हैं, वो सेंड करते हैं, और फिर यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग में वो लाइट सिग्नल जो है वो सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, बट the combine and splitting of the light waves is done by using a prism. ये prism होता है, यहाँ पे जो light three input दिए है multiplexer को, तो ये जो multiplexing की process है वो prism के through होती है, means जो incident angle of incidence होगा light का उसके basis पे वो जो तीन light signal है वो combine किए जाते हैं, और ये fiber optic cable के through उसको send किया जाता है single, और यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्स में प्रिज्म के थ्रू ही उसको
फिर सेपरेट आउट किया जाता है। ठीक है, तो वन एप्लीकेशन ऑफ डब्ल्यू टी डी एम इज यूज इन सोनेट नेटवर्क इन विच मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर लाइन्स आर मल्टीप्लेक्स एंड डी मल्टीप्लेक्स। दिस टेक्निक दैट इज वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज इन सोनेट वेयर ऑप्टिकल फाइबर लाइन्स इज यूज। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओनली डिफरेंस क्या है दोनों का, जो फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए यूज होता है, और जो वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वो लाइट सिग्नल के लिए यूज होता है। बाकी का सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी की जो प्रोसीजर है वो सेम है दोनों में। ठीक है।